कैसे हो आप? सब ठीक ठाक होंगे आप? हम भी ठीक ठाक है। 26 जनवरी के दिन आपका क्या काम है, क्या नहीं करना है? कोशिश करो, रोड पे ना चलो, अपने घर ही अपनी टीवी देखो, अपनी सफाई पर ध्यान रखो, सोचो छुट्टी मार लो आप। जो गवर्नमेंट ने छुट्टी कर रखी है तो उसका भी से ध्यान रखो। तो गाइस क्यों विशेष ध्यान रखना आपने काम है तुम्हारा? ये नहीं कि हम तुम में लगे रहें कि तेरा ये मेरा, ज्यादातर यही हो रहा है कि तेरे मेरे में सब अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मेरा काम होगा भाई, इसका काम नहीं होना चाहिए। और अपने काम के चक्कर में वो बर्बाद हो रहे हैं, आबाद नहीं हो रहे भाई जो अपने अपने में लगा हुआ है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि कौन अपना है, कौन पराया है। देश की सेवा करो, नेता बनो, बड़ा 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 सोच करो। ये नहीं कि तेरा मेरा में लगे रहो। जब आप अपना सोचोगे, लेकिन दूसरे का भी सोचना पड़ेगा आपको। ये परिवार है, पड़ोसी भी एक तरह का ध्यान रखो उसका, चाहे वो कितना भी बेकार है, लेकिन उसका चुपचाप ध्यान रखो। क्योंकि हमारा जगत है, हम कुटुंब सबको कुटुंब ही मानते हैं, हम वर्ल्ड को कुटुंब मानते हैं। तो आप अपना उद्देश्य बनाए, क्या करना नहीं करना है। 26 जनवरी हमारे झांकी निकलेंगी, उत्तर प्रदेश की झांकी, सीताराम जी की झांकी निकलेंगे, हर स्टेट की झांकी निकलती है। अब ऊंट हाथी थोड़ा बंद कर दिया, सफाई के विषय ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी गंदगी हो जाती है उनकी। तो कुछ इन्होंने क्या करा है, गवर्नमेंट ने हाथी को और ऊंट को थोड़ा अलग कर दिया है, क्योंकि सफाई में दिक्कत होती है। तो हमारा उद्देश्य है देश को आगे बढ़ाना, और 26 जनवरी को अच्छे अच्छे पकवान खाओ भाई। अपना उद्देश्य है अच्छी सोच, अच्छे काम करना। हमारा उद्देश्य है तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ दोस्त लोग हैं जिनका उद्देश्य था कुछ और था। हमारे साथ रहते हैं, साथ भी जाते रहते हैं, लेकिन उनका दोस्त मन में कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, माइंड कुछ और बोलता है, उनका मुंह से कुछ होता, हंसी कुछ बोलते हैं, लेकिन हम पहचान लेते हैं। अब ये कैसे पहचान लेते हैं, ये आदमी बदमाशी करेगा हमारे साथ, हम जब भी उसके साथ खड़े होते हैं। प्रभु सीताराम, जय श्री राधे राधे। क्योंकि उनका उद्देश्य ही दूसरे को सत्यानाश करना, नाश करना, काम बिगाड़ देना। लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए काम बनाना, काम बनाना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। सामने वाला काम बिगाड़ रहा है, बिगड़न दो, लेकिन आपका काम है बिगाड़ रहा है, बिगाड़ने का मतलब ये, तो आप बिगाड़ दो खुद को। आपका उद्देश्य है अपना काम बढ़ाना, लेकिन परिवार को चलाना, परिवार को आगे निकालना। लेकिन परिवार में क्या हो रहा है, फूट पड़ती आ रही है, पैसा पैसा, हाय पैसा। अरे भैया फिर काया है, किस चीज की है? कुछ नहीं है, सब रखा द्वार है, सब माटी मिल जाएगा, राख बन जाएंगे। और जिंदगी बहुत छोटी है, इसे बड़ी करो और आगे बढ़ो। तो हमारा ये मानना है लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं डरा, हम शांत रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भाई लोग हैं, दोस्त हैं, जो छेड़ते हैं, नई नई कहानी बनाते हैं। तो अपने को आगे बढ़ाओ और बढ़ते चले जाओ, यही जिंदगी का राह है। तो जय सीताराम, जय राधे राम। उद्देश्य बना के आगे बढ़ो, लेकिन आपका उद्देश्य फेल भी होता है तो आप नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचते रहो। आपकी पॉजिटिवता ही आपको आगे ले जाएगी। तो हम ये कहते हैं और तुम क्या कहते हो, ये जिंदगी में निकल जाएगी, मेरा तेरा, तेरा मेरा,
जय सीताराम जय राधे राम जय सीता जय राधे राम, प्रभु सबका उद्धार करो।